देखिए भाई, काफी दिन से रूमर हो रही थी कि प्रशांत वर्मा की जय हनुमान में श्री राम जी वाला कैरेक्टर रामचरण प्ले कर सकते हैं। तो भाई, रामचरण के फैंस के लिए बुरी अपडेट आ गई है। एक्चुअली में कल खुद प्रशांत वर्मा मीडिया में आके बोल दी हैं वो जय हनुमान में श्री राम जी के कैरेक्टर के लिए महेश बाबू को कास्ट करना चाहते हैं। और आप तो जानते हैं, पूरी हनुमान फिल्म में प्रशांत वर्मा खुद हनुमान जी कहीं फेस को रिवील नहीं किए थे। तो भाई, उनका बोलना है वो जय हनुमान में बजरंग बली जी के लिए चिरंजीवी सर को कास्ट करना चाहते हैं। और ये कोलाबोरेशन काफ़ी हद तक कन्फर्म है, क्योंकि चिरंजीवी सर हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, वो इस रोल को मना नहीं कर पाएंगे। वैसे भाई, महेश बाबू समर के महीना से जंगल एडवेंचर का शूटिंग चालू कर देंगे राजा मौली सर के साथ। और जो हीरो राजा मौली सर की फिल्म करता है, उसको राजा मौली सर बाकी प्रोजेक्ट करने नहीं देते हैं जब तक पूरे फिल्म की शूटिंग खत्म ना हो जाए। सो देखा जाए, क्या महेश बाबू जय हनुमान के श्री राम जी के कैरेक्टर के लिए राजी होते हैं या नहीं। बाकी महेश बाबू भी राम जी के रूप में अच्छे लगेंगे जय हनुमान फिल्म में। खैर, आपको क्या बोलना है, प्रशांत वर्मा को प्रभु राम जी के लिए महेश बाबू को कास्ट करना चाहिए या रामचरण को? अपना विचार इसके बारे में हमें जरूर बताना कमेंट में। तेलुगु के पवन कल्याण बड़ी पैन इंडिया फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओजी, जो एक गैंगस्टर मूवी है जिसका टीजर पिछले साल अच्छा खासा क्रेज बना दिया है फिल्म को लेकर ऑडियंस में। तो भाई, अब फाइनली पवन कल्याण की ओजी फिल्म का रिलीज डेट रिवील हो चुका है। ये ओजी गैंगस्टर मूवी 27 सितंबर को रिलीज होने वाली है पैन इंडिया। और कमाल की बात यह है, इस ओजी फिल्म के विलन अपने हिंदी के इमरान हाशमी हैं, और फिल्म को डायरेक्ट किए हैं सुजीत कुमार, जिन्होंने प्रभास की साहो जैसी फिल्म बनाई थी। और अब ये पवन कल्याण के साथ ओजी जैसा गैंगस्टर फिल्म बना दिए हैं। शायद अब जल्दी मेकर्स इस ओजी से अपडेट भी भेजना चालू कर देंगे। देखिए, थाला फैटी विजय सर एक और न्यू फिल्म फाइनल कर ली है, वो भी फिर से तेलुगु सिनेमा में वारसों के बाद। और इस बार विजय सर तेलुगु में डीबीबी प्रोडक्शन के साथ फिल्म कंफर्म कर लिए हैं। और ये कंपनी वो है जिसने राजा मौली सर की आरआर, फिर पवन कल्याण की ओजी और प्रशांत वर्मा की अधीरा को बनाएगा। और अब ये डीबीबी प्रोडक्शन थाला फैटी विजय सर की फिल्म को भी प्रोड्यूस करने जा रहा है, जिसका अभी डायरेक्टर का नाम रिवील नहीं किया गया। बट इस फिल्म का अनाउंसमेंट डीबीबी प्रोडक्शन मार्च महीना में करने वाला है। बाकी भाई, जल्द ही थाला फैटी विजय सर अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी अनाउंस कर देंगे, ऐसा बोला जा रहा है। उनकी पार्टी का झंडा ये होगा। और अपने विजय सर 2026 में अपना पहला इलेक्शन लड़ेंगे तमिलनाडु में। और थाला फैटी विजय सर पॉलिटिक्स में जाने के बाद फिल्म बनाना नहीं छोड़ेंगे, उसको भी साइड में बनाएंगे जैसे तेलुगु के पवन कल्याण बनाते हैं। लेकिन हाँ, 2026 के बाद आपको विजय सर की फिल्म में टाइम पर नहीं मिलेगी, अभी वो 10 महीना में एक फिल्म रिलीज कर देते हैं। बट 2026 के बाद ऐसा नहीं होगा, विजय सर की न्यू फिल्म में आपके पास आते आते 16-17 महीना का समय लग जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है, अपने थाला फैटी विजय सर डीएमके पार्टी का हालत खराब कर देंगे अपनी पहली इलेक्शन डेब्यू में या नहीं? अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 से पहली बार कुछ लीक हो गया है शूटिंग से। इतने महीने से ऑडियंस को एक भी पुष्पा से लीक फुटेज देखने को नहीं मिला था, लेकिन कल सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन की तस्वीर हंगामा मचा दिया है, जहां अल्लू अर्जुन फिल्म के पोस्टर वाले लुक में नजर आ रहे हैं साड़ी पहन के। वैसे अजय थारा पोर्शन का शूटिंग दिसंबर महीना में खत्म हो चुका था, बट आज कोई अंदर वाला ये फोटो पुष्पा 2 का सोशल मीडिया पर लीक कर दिया है। और मिथुन मूवी कंपनी भी एक्शन में आ गई है, हर जगह से इस फोटो को हटाना भी चालू कर दिए हैं। खैर, मचाने वाला है अल्लू अर्जुन को इस अवतार में देख के वो अभी एक्शन करते हुए पुष्पा 2 फिल्म में। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, पिछले साल रणदीप हुड्डा अपनी एक फिल्म का टीजर रिलीज किए थे, जिसका नाम है स्वतंत्र वीर सरवाकर, जो बायोपिक है अपने इंडिया के बड़े फ्रीडम फाइटर वीर सरवाकर जी का। एक्चुअली भाई, अब इस फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस हो चुका है। ये रणदीप हुड्डा की फिल्म 22 मार्च को रिलीज होगी हिंदी और मराठी में। बाकी रणदीप हुड्डा हिंदी के बड़े खतरनाक लेवल के एक्टर हैं, ये अपने कैरेक्टर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इस वीर सरवाकर जी की फिल्म भी हमें रणदीप हुड्डा का तबाही लेवल का परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा। तो
देखिए अपने हिंदी सिनेमा में फिर से एक पुरानी फिल्म का सिक्वल बनने जा रहा है और वो फिल्म है नो एंट्री। आप तो जानते हैं सलमान खान की नो एंट्री साल 2005 में बड़ी हिट हो गई थी, जिसके अंदर अनिल कपूर और फरहुद्दीन खान भी थे सलमान खान के साथ। और अब इसी फिल्म का सिक्वल डायरेक्टर अनीस बैज में बनाने वाले हैं, वो भी न्यू कास्टिंग के साथ। इस वाले नो एंट्री में अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन होने वाले हैं और फिल्म का शूटिंग इस साल के एंड में चालू होगा, क्योंकि डायरेक्टर अनीस बैज में पहले दिवाली पर कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 3 को रिलीज कर देंगे, तब उसके बाद वो नो एंट्री बनाने जाएंगे। खैर कास्टिंग तो बड़े मजेदार हुई है और इस नो एंट्री 2 को प्रोड्यूस खुद अर्जुन कपूर के पिताजी बोनी कपूर ही करने वाले हैं। बाकी अब देखा जाए कि अब की वाली नो एंट्री 2 ऑडियंस को एंटरटेन कर पाती है या नहीं। अब चलिए बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं, जहां तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऋतिक रोशन की फाइटर से। देखिए फाइटर ने जहां मंडे के दिन 10 करोड़ कलेक्शन किया था, तो वहीं फाइटर कल मंगलवार के दिन 7 करोड़ 50 लाख रुपए कलेक्शन हुआ है। और इसी के साथ ऋतिक रोशन की फाइटर का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 6 दिन में 134 करोड़ हो गया है और वर्सेज मिलाकर फाइटर ने 229 करोड़ 80 लाख रुपए कमाई किया है पूरी दुनिया के मार्केट में। अब चलिए फाइटर के बाद हनुमान के बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं। देखिए हनुमान ने जहां मंडे के दिन 1 करोड़ 75 लाख रुपए कलेक्शन किया था, तो वहीं हनुमान का मंगलवार के दिन 2 करोड़ 10 लाख रुपए कलेक्शन हुआ है पूरे इंडिया में और हिंदी में हनुमान ने 50 लाख रुपए कलेक्शन किया है कल मंगलवार के दिन और बाकी सब साउथ से कलेक्शन हुआ है हनुमान का। खैर इसी के साथ हनुमान का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 19 दिन में 176 करोड़ 85 लाख रुपया हो गया है और वर्सेज मिलाकर हनुमान ने 262 करोड़ कलेक्शन किया है पूरी दुनिया के मार्केट में। वैसे हिंदी में टोटल प्रशांत वर्मा की हनुमान अब तक 19 दिन में 44 करोड़ 50 लाख रुपया कलेक्शन कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। बाकी तीसरे सप्ताह में भी हनुमान के कलेक्शन में ग्रोथ हो रहा है, जो सच में बड़ी बात है। लगता है पूरे एक महीना तक ये हनुमान बॉक्स ऑफिस से अच्छा खासा कलेक्शन बटोरेगा। खैर भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अल्लाह हाफिज़।